गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लास थर्ड सब्जेक्ट EVS. इन EVS चैप्टर नंबर 5 इज़ गोइंग ऑन वर्क एंड प्रोफेशंस. टुडे वी विल डू पेज नंबर 56. ओके, सो ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली. डॉक्टर, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डॉक्टर के बारे में. व्हेन वी आर सिक और अनवेल वी गो टू अ डॉक्टर. जब हम बीमार पड़ जाते हैं या अस्वस्थ होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं. सिक मीन्स क्या होता है? बीमार. अनवेल मीन्स अस्वस्थ. अ डॉक्टर नोज अबाउट डिफरेंट डिजीजेस. डॉक्टर को नोज यानी जानता है, डॉक्टर को पता होता है, डॉक्टर जानते हैं किसके बारे में? डिफरेंट डिजीजेस यानी अलग अलग तरह की बीमारियों के बारे में उन्हें पता होता है. ही नोज हाउ वी कैन इम्प्रूव आर हेल्थ इफ़ वी आर सिक. अगर हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर को पता होता है कि हम अपनी हेल्थ में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं. ओके, अ डॉक्टर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल और अ डिस्पेंसरी. डॉक्टर कहाँ पर काम करते हैं? डॉक्टर हॉस्पिटल में या फिर डिस्पेंसरी यानी कि दवाखाने में काम करते हैं. He gives us medicines and advises us how to keep ourselves healthy and active. डॉक्टर हमें क्या देते हैं? मेडिसिंस देते हैं और हमें एडवाइस देते हैं, सलाह करते हैं, देते हैं कि हम अपने आप को हेल्दी और एक्टिव कैसे रख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज टीचर. ओके, टीचर. अ टीचर टीचेस चिल्ड्रन इन अ स्कूल. टीचर जो है स्कूल में क्या करती है? बच्चों को सिखाती है. ओके, ही शी टीचेस द चिल्ड्रन न्यू थिंग्स. टीचर जो है वो क्या सिखाती है? बच्चों को नई नई चीज़ों के बारे में बताती हैं. ही शी टीचेस देम गुड वैल्यूज़ टू बी अ गुड ह्यूमन बींग इन द सोसाइटी. टीचर क्या बताती है, क्या सिखाती है कि सोसाइटी में, उन्हें समाज में, सोसाइटी मीन्स क्या होता है? समाज में एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अच्छे संस्कार मतलब गुड हैबिट्स के बारे में, गुड वैल्यूज़ मतलब होता है अच्छे संस्कार यानी गुड हैबिट्स के बारे में बताती है ताकि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग, अच्छे इंसान बन सको. ओके, ग्रोसर, ग्रीन ग्रोसर यानी फल सब्जी बेचने वाला. वी गेट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम अ ग्रीन ग्रोसर. हम फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स हम किससे लेकर के आते हैं? ग्रीन ग्रोसर से मिलते हैं. ही गेट्स फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रॉम द फार्म एंड सेल्स इन द मार्केट. जो ग्रीन ग्रोसर हैं वो फ्रेश फ्रूट और फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स कहाँ से लेके आते हैं? खेत से. फार्म मीन्स क्या होता है? खेत से. और मार्केट में आके उन्हें बेचते हैं. सेल मीन्स क्या होता है? बेचना. नेक्स्ट इज टेलर. ओके, अ टेलर स्टिचेस द क्लोथ्स फॉर अस. टेलर क्या करता है? हमारे कपड़े सिलता है. ही ऑल्सो मेंड्स देम एंड मेक देम जस्ट द वे वी वॉन्ट टू वेयर. वो कपड़ों को ठीक करने का काम भी करते हैं और वो कपड़ों को इस तरीके से बना देते हैं कि वो हम इजीली पहन लेते हैं कि इस तरीके का होना चाहिए, तो वो एग्जैक्टली वैसे ही आपको सिल करके दे देते हैं. नेक्स्ट इज बारबर. अ बारबर कट्स पीपल्स हेयर. बारबर का क्या क्या काम करते हैं? पीपल के हेयर को कट करने का काम करता है बारबर. वेन एवर वी वॉन्ट टू हैव अ डिफरेंट हेयर स्टाइल और हेयर कट वी गो टू अ बारबर. जब भी हमें अलग तरीके का हेयर स्टाइल या हेयर कट लेना होता है तो हम किसके पास जाते हैं? बारबर के पास जाते हैं. नेक्स्ट इज क्लॉबलर. वेन एवर आर शूज आर टॉर्न और रिक्वायर्ड एनी रिपेयर वी गो टू अ कॉबलर. जब भी हमारे शूज़ फट जाते हैं या उन शूज़ को किसी रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यकता, रिपेयर यानी मरम्मत, ओके,
किसी भी मरम्मत की आवश्यकता होती है तो हम किसके पास जाते हैं उसको ठीक कराने के लिए? कॉबलर के पास जाते हैं, यानी कि मोची के पास। ही मेंड्स आवर शूज़ एंड मेक्स देम फिट फॉर अस, फिट फॉर आवर यूज़। वो हमारे शूज़ को ठीक कर देते हैं और फिट बना देते हैं हमारे यूज़ के लिए। नेक्स्ट इज प्लम्बर। अ प्लम्बर फिक्सेस द पाइप्स, टैप्स एंड लीकेज इन आवर बाथरूम। प्लम्बर का क्या काम होता है? वो बाथरूम में पाइप को फिक्स करते हैं, टैप को ठीक करने का काम करते हैं, कोई लीकेज होता है उसको रिपेयर करते हैं। तो ये काम कौन करता है? प्लम्बर काम करता है। ही प्रिवेंट्स वाटर लॉगिंग बाई क्लीनिंग एंड फिक्सिंग द पाइप्स इन द बाथरूम। बाथरूम में जैसे पानी भर जाता है, वाटर लॉगिंग यानी पानी जमा हो जाता है ना, पानी निकल नहीं पाता, तो उसको कैसे ठीक करते हैं? उसको क्लीन करते हैं, पाइप को फिक्स करते हैं बाथरूम में, तब प्रॉपर वे से पानी जो है बाहर निकलने लगता है। तो ये कौन करता है इस काम को? प्लम्बर करते हैं। वंडर्ड, एवरीबडी सेज दैट ऑल वर्क्स बी इट बिग और स्मॉल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। सभी कहते हैं कि काम चाहे बड़ा हो या छोटा हो, वो हर तरीके से इक्वली, मतलब एक समान ही इम्पॉर्टेंट होता है। इज़ द वर्क ऑफ ए स्ट्रीट हॉकर, चाहे वो वर्क हो किसका, स्ट्रीट हॉकर यानी जो फेरी वाले होते हैं उन्हें हम स्ट्रीट हॉकर बोलते हैं, और अ स्वीपर, चाहे स्वीपर का काम हो एज एन इम्पॉर्टेंट, वो भी किसकी तरह इम्पॉर्टेंट है? ऐसे जैसे डॉक्टर और इंजीनियर का वर्क इम्पॉर्टेंट है, तो वैसे ही इनके वर्क भी क्या हैं? इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। नाउ लेट्स ट्राई थ्री, दिस यू हैव टू डू इन योर बुक। ओके, हु हेल्प अस इन द फॉलोइंग सिचुएशन। कुछ सिचुएशन आपको दी, इस सिचुएशन में आपकी हेल्प करने के लिए कौन आएगा? ए, देयर इज नो वाटर इन द टैप्स ऑफ अनिल्स हाउस। अनिल के हाउस में क्या है, टैप में से क्या नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। ही शुड कॉल अ, तो वो किसे कॉल करेगा? प्लम्बर। सो इन द ब्लैंक व्हाट यू हैव टू राइट? प्लम्बर। ओके, नाउ बी, प्रिया इज फीलिंग सिक। प्रिया को कैसा फील हो रहा है? सिक यानी बीमार हो रही है। शी शुड गो टू अ डॉक्टर, वो किसके पास जाएगी? डॉक्टर के पास। सो इन द ब्लैंक यू हैव टू राइट डॉक्टर। प्रिया's फादर हैज़ टू मेंड हिज टॉर्न शूज़। प्रिया के फादर को क्या करना है, जो उनके जो शूज़ हैं जो फट गए हैं उसे क्या करना है? सही कराना है, ठीक कराना है। ही शुड गो टू अ कॉबलर। ओके, रानी हैज़ टू बाई फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रानी को क्या खरीदना है? फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीदना है। तो शी शुड गो टू अ ग्रीन ग्रोजर, तो रानी किसके पास जाएगी? ग्रीन ग्रोजर के पास। रोहित वॉन्ट्स टू गेट अ हेयर कट। रोहित को क्या कराना है? अपना हेयर कट कराना है। तो ही शुड गो टू अ बार्बर, तो किसके पास जाएगा रोहित? बार्बर के पास। ओके,